जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन जुरासिक वर्ल्ड ट्रिलॉजी की फाइनल मूवी है। इस मूवी की स्टोरी पिछली किसी भी मूवी से काफ़ी डिफरेंट थी। स्टोरी का मेन फोकस बायोसिन कंपनी पर रहता है। बायोसिन के एक व्यक्ति डॉटसन ने ही जुरासिक पार्क में नेडरी को हायर किया था एम्ब्रियो चुराने के लिए। डॉटसन अब इस कंपनी का CEO बन चुका है। बायोसिन ने अब अपनी एक सेंचुरी भी बनाई है जहाँ उसने अधिकतर डायनासोर को रखा है और वह उन पर फार्मास्यूटिकल रिसर्च करता है। साथ ही साथ कुछ शेडी काम भी, जैसे इल्लीगल न्यू स्पीशीज क्रिएट करना, ब्लैक मार्केट चलाना। साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा लोकस्ट बनाया है जिससे कि वे वर्ल्ड की फूड सप्लाई पर अपना दबदबा बना सके, क्योंकि ये लोकस्ट बायोसिन की फसलों को छोड़कर बाकी सभी की फसलें बर्बाद कर देते हैं। माल्टा का ब्लैक मार्केटिंग सीन बहुत ही डिफरेंट और क्रीपी फील दे रहा था, जहाँ हर जगह शेडी लोग भरे हुए थे। इवन वहाँ कुछ लोग डायनासोर्स को भी खा रहे थे। एक माइक्रोसेरेटस को ले जाते हुए दिखाया जाता है, मे बी उसे काटने के लिए। मेजी लॉकआउट के बारे इस मूवी में काफ़ी कुछ बताया गया है जो पिछली मूवी में नहीं बताया गया था। मूवी की स्टोरी में दिखाए गए सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट थी, यानी कुछ भी अननेसेसरीली नहीं दिखाया गया है। जैसा कि डायरेक्टर ने कहा था, इस मूवी में जुरासिक वर्ल्ड के कैरेक्टर्स और जुरासिक पार्क के कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरीज को एक साथ दिखाया जाता है जो एंड में जाकर मर्ज हो जाती हैं। ओरिजिनल जुरासिक पार्क के कैरेक्टर्स को दोबारा एक साथ देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ उनके कुछ कमाल के मोमेंट्स भी होते हैं। फॉर्चुनेटली सभी कैरेक्टर्स के मोटिव्स काफ़ी तगड़े थे, जिससे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि किसी कैरेक्टर को फोर्सफुली यहाँ रखा गया है। डॉटसन इस मूवी में काफ़ी अमेजिंग था। काफ़ी शुरुआत से ही उसका क्रिप्टिक बिहेवियर सामने आने लगता है। इसे भी काफ़ी अच्छी तरह दिखाया जाता है कि वो कितना बड़ा साइकोपैथ है, जहाँ वो किसी भी बड़े से बड़े इंसान को मारने के बारे दूसरी बार बिल्कुल नहीं सोचता। अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए वो जिंदा लोकस्ट को जला डालता है। सोयना सैंटोस काफ़ी ग्रेट विलन थी, स्पेशली उसका काम बिहेवियर यही दिखा रहा था कि उसे इन कामों का कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। इस मूवी में काफ़ी सारे डायनासोर अपीयर होते हैं, पर अधिकतर सिर्फ बैकग्राउंड में ही दिखते हैं। जितने भी क्रिएचर्स ऑन स्क्रीन प्रॉपर अपीयरेंस देते हैं, उनके सभी सीन्स एब्सोल्युटली अमेजिंग थे। प्रोलॉग में जो रेक्सी वर्सेस जिनोटोसॉरस की राइवलरी दिखाई जाती है, उसका मूवी में कुछ ज़्यादा रेलेवेंस नहीं था। जिनोटोसॉरस को जब दिखाया जाता है तो वो ऑलरेडी उस फैसिलिटी का अल्फा था, बट मूवी के एंड में जिनोटोसॉरस रेक्सी द्वारा मार दिया जाता है, यानी अब रेक्सी उस फैसिलिटी में अल्फा प्रेडेटर है। भले ही फाइनल फाइट काफ़ी अमेजिंग और एंटरटेनिंग थी, लेकिन वो काफ़ी सिमिलर थी जुरासिक वर्ल्ड की फाइनल फाइट से। इस फैसिलिटी में ह्यूमंस सरफेस पर नहीं आते। रैमजी ने कहा था कि सारे आने जाने के काम अंडरग्राउंड ही किए जाते हैं, ताकि कोई भी डायनासोर किसी ह्यूमन को ना मार सके। इसलिए शायद अधिकतर बायोसिन डायनासोर्स ने कभी भी ह्यूमंस को नहीं देखा होगा, और इसीलिए जिनोटोसॉरस सबसे पहली बार ह्यूमंस देखकर काफ़ी क्यूरियस हो जाता है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि इस मूवी में जिनोटोसॉरस की विजन मूवमेंट पर बेस्ड थी, यानी वो टीरेक्स की तरह सिर्फ हिलती चीज़ों को ही देख सकता है। थेरिजिनोसॉरस इस मूवी का सबसे बेस्ट हर्बीवोर डायनासोर था। यदि आपने नोटिस ना किया हो तो थेरिजिनोसॉरस इस मूवी में अंधा था। वो हर आवाज़ करने वाले जीव पर हमला कर रहा था। मूवी के एंड में एक बहुत ही सरप्राइजिंग सीन दिखाया जाता है जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे बिल्कुल नहीं थी। एंड में रेक्सी को फैसिलिटी में दिखाया जाता है जिसके पास दो टीरेक्सेस आते हैं, और वो दोनों टीरेक्सेस इसला सोना से थे। ये अनक्लियर है कि वे द लॉस्ट वाले रेक्सेस थे और या फिर कैंप किटीज सीजन 4 के बिग और लिटिल एटीज। रैमजी ने कहा था कि इस फैसिलिटी में सोना के फर्स्ट जनरेशन के क्रिएचर्स को रखा गया है, सो मोस्ट लाइकली ये द लॉस्ट वाले रेक्सेस थे। अनफॉर्चुनेटली इस मूवी में स्पाइनोसॉरस अपीयर नहीं हुआ। ओवीरैप्टर, प्लीजीसॉरस और स्पाइनोसॉरस इनिशियली मूवी में थे बट कट कर दिए गए। ब्लू और बेटा के भी काफ़ी अच्छे शॉट्स दिखाए जाते हैं। मूवी के एंड में ब्लू के गुड बाय वाला सीन काफ़ी इमोशनल था। डायनासोर्स की CGI मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही अमेजिंग थी। साथ ही साथ इस मूवी में काफ़ी सारे एनिमेट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल किया गया, और सबसे बेस्ट एनिमेट्रॉनिक जिनोटोसॉरस और बेबी नोसोट्रेसेटॉप्स का था। बायोसिन और डॉटसन को जुरासिक पार्क से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कराया गया, जो काफ़ी बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी थी। मूवी में उसी ओरिजिनल बार्बासल कैन को दिखाया जाता है, बट किसी प्रकार की एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती। बिल्कुल एंड में
जब डॉटसन वहाँ से निकल रहा होता है तब वो किसी वजह से उसी बार्बासल कैन को अपने साथ ले लेता है, जो काफ़ी इररिलेवेंट था। उस कैन के अंदर जो भी डीएनए था वो कई साल पहले ही बर्बाद हो चुका है, तो उसे अपने साथ लेने का कोई मतलब नहीं। ओवरऑल मुझे जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन काफ़ी अच्छी लगी, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये मूवी उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई स्टोरी, कैरेक्टर्स और डायनासोर्स के मामले में। मे बी ये जुरासिक वर्ल्ड ट्रिलॉजी की सबसे बेस्ट मूवी थी। मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।